बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स, आप सब लोग बखैरियत होंगे। तो जनाब, ये देखें, जबरदस्त सा एक वनीला स्पंज केक की रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जो कि ऑयल बेस है। और मजे की बात यह है कि देखें कितना फ्लफी और कितना सॉफ्ट ये लग रहा है, और ये विदाउट बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा के मैंने बनाया है। और इसके लिए मैंने क्या चीजें यूज की हैं या क्या रेसिपी फॉलो की है, तो चले चल के वीडियो देखते हैं। ऑयल बेस वनीला स्पॉन्ज केक बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वन बाय वन मैं आपको के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर पे 4 अंडे ले लिए हैं। उसके बाद रूम टेम्परेचर पे ही मैंने यहाँ 40 ml दूध लिया है, जो कि टेबल स्पून में आप कह लें 2.5 टेबल स्पून बनता है। और ये मेजरिंग जो स्पून होती हैं, ये मैंने यूज की है इसके लिए। ये इस तरह से ये 1 टेबल स्पून है, तो 2 टेबल स्पून ये, और ये जो हाफ वाली मेजरमेंट है इसकी टेबल स्पून की, इससे एक, तो ये 2.5 टेबल स्पून बन जाता है। नेक्स्ट मैंने लिया है ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल जो घर में आप यूज करते हैं, ये 30 ग्राम लिया है। और टेबल स्पून में ये भी 2.5 टेबल स्पून बनती है इसकी मेजरमेंट, और वेट इसका 30 ग्राम है। इसके बाद ये ऑल पर्पज फ्लोर या मैदा है, और मेजरमेंट में 1 कप है, और ग्राम्स में 120 ग्राम है। और यहाँ ये ग्रेनुलेटेड शुगर मैंने ली है, और बारीक चीनी जो होती है, और ये 1/2 कप है, और ग्राम्स में 100 ग्राम है। साथ ही इसमें मैं नमक यूज करूंगी, 1 पिंच कह लें या 1/4 टीस्पून नमक है, और थोड़ा सा वनीला एसेंस हम यूज करेंगे 1 टीस्पून के करीब। तो पहले स्टेप में हम ये करेंगे कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे पास जो मैदा और नमक है, इसको मिक्स करके छान लेते हैं, और छान के इसको साइड पे रख देते हैं। और अब यहाँ ये ऑयल में मैं दूध को मिक्स कर दूंगी, थोड़ा सा चम्मच से उसको मिक्स करके, और ये भी साइड पे कर देते हैं। यहाँ एक छोटी सी टिप ये है कि यहाँ आप साथ ही इसमें वनीला एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। और अब ये 1 बाय 1 हमने एग योक और वाइट को अलग अलग करना है, तो मैंने 2 बाउल ले लिए हैं, एक में एग वाइट आ जाएगी और एक में एग योक। इस तरह से 4 अंडे जो है उसमें एग वाइट और योक को अलग अलग करना है। तो सबसे पहले ये करेंगे कि ये एग वाइट जो है, इनको हल्का सा मैं बीट करूंगी, जस्ट 1 मिनट पहले बीट करूंगी। जैसे ही जरा ये देखिए फोमी सा इसका टेक्सचर होता है, अब मैं ये थोड़ी थोड़ी चीनी इसमें शामिल करती जाऊंगी और बीट करते जाएंगे, और इसके सॉफ्ट पीस आने तक इसको हम बीट करेंगे। और यहाँ साथ में आपको बताती चलूँ कि 170 पे प्री हीट होने के लिए मैंने ओवन को ऑन कर लिया है। और अब यहाँ पे ये एग वाइट और चीनी का जो मिक्सचर है, उसमें ये एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट आप कह लें मैं जो शामिल करूंगी, वो है 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका या वाइट विनेगर, और ये ऐड कर देते हैं यहाँ पर इस बैटर में, और मज़ीद अब इसको अच्छा सा हम बीट करेंगे। और ये देखें इसमें वेव्स बननी शुरू हो गई हैं, और ये देखें सॉफ्ट पीक्स भी आ गए हैं। यहाँ थोड़ा सा बेशक आप एहतियातन चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा फिंगर पे ये बैटर लगा के कि इसमें चीनी डिसॉल्व हुई है या नहीं, और चीनी बड़ी अच्छी से इसमें डिसॉल्व हो चुकी है। बस हमें इतना ही बीट करना है, इसको ओवर बीट हम नहीं। इस स्टेज पे ये एग योक्स जो हैं ये इसमें शामिल करेंगे, और साथ ही 1 टीस्पून वनीला एसेंस। और अब स्लो स्पीड पे जस्ट इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, अब बीट नहीं करना। और अब बीटर को करते हैं साइड पे, और मैदा जो छान के हमने रखा हुआ था, एक स्पैचुला लिया, और एक ही डायरेक्शन पे स्पैचुला को चलाते हुए ये थोड़ा थोड़ा मैदा जो है इसमें फोल्ड करेंगे हम, एहतियात से कि इसमें जो एयर क्रिएट हुई भी हमारे बैटर में वो रिमूव नहीं होनी चाहिए, ताकि केक हमारा बहुत सॉफ्ट और फ्लफी बन जाए। व्यूअर्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो काइंडली लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने इस रेसिपी को फॉलो किया तो जो भी रिजल्ट्स आपके आए मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें खास बात यही है कि इसमें हम किसी भी किस्म का जो है वो इम्प्रूवर यूज नहीं कर रहे, यानी कोई भी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं है, उसके बावजूद जो है वो केक हमारा पूरा पूरा सॉफ्ट फ्लफी सा बनने जा रहा है। ये देखिए बड़ा अच्छा सा मैंने इसको फोल्ड किया है, और अब लास्ट में हम ये करेंगे कि ये ऑयल और दूध का जो मिक्सचर
मिक्सचर है ये भी थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। और व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मज़ीद वीडियोज के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहे। तो ऑयल और दूध का मिक्सचर मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे मैंने पैन ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया है। 8x8 का ये मोल्ड है और इसकी जो हाइट है वो 5 इंचेस है। तो बैटर को शिफ्ट किया मोल्ड में और कोई भी स्टिक लेके जो एयर बबल्स क्रिएट हुए हैं उनको रिमूव करें और एक दो दफा अच्छा सा इसको टैप करें। और अब इसको रख देते हैं हम ओवन में। आफ्टर 35-40 मिनट्स ये केक हमारा रेडी हो चुका है। और चेक करने का तरीका हर दफा जैसे आपको कहा जाता है, कोई भी आप स्टिक लेके या टूथ पिक लेके या नाइफ लेके आप उसको इंसर्ट करें केक में, और अगर वो क्लियर है तो इट मीन्स कि केक अच्छा सा आपका बेक हो चुका है। अब इसको यहाँ थोड़ा सा रुमाल से कवर कर देंगे कि ये मजीद सॉफ्ट ही रहे। तो जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ तो अब हम में से रिमूव करेंगे। और वैसे आप देखें कि साइड्स केक में छोड़ दिए, ये भी इलावा है इस चीज की कि केक अच्छा सा पक चुका है। लेकिन एहतियातन मैं यहाँ थोड़ा सा नाइफ से उसको रिमूव करती हूँ कि अगर कहीं साइड को थोड़ी सी लगी हुई हो तो वो क्लियर हो जाए। और अब यहाँ एक केक को लेके उस पे हम इसको निकाल लेते हैं मोल्ड में से। देखिए व्यूअर्स, जबरदस्त का ये केक हमारा ऑयल बेस्ड वनीला स्पॉन्ज रेडी है विदाउट बेकिंग पाउडर और विदाउट बेकिंग सोडा के। तो देखिए कितना सॉफ्ट और अच्छा फ्लफी सा ये बना है। इस पे फ्रॉस्टिंग आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसको वैसे खाएं या इसके ऊपर कोई आइसिंग फ्रॉस्टिंग आपने करनी हो तो आप इस पे इजीली कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाजत चाहूंगी, फिर मिलेंगे न्यू रेसिपीज न्यू वीडियोस में। इजाजत दें, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।